मुजफ्फरपुर वरीय संवाददाता। राजधानी दिल्ली के बाद बुधवार को मुंबई के लिए लीची की पहली खेप भेजी गई। दामोदरपुर के लीची किसान रियाज ने जयनगर लोकमान्य तिलक टर्मिनल LTT 11062 पवन एक्सप्रेस की सिला बोगी से 17 पेटी शाही लीची भेजी। ये 17 मई की सुबह मुंबई की कुर्ला मंडी पहुंच जाएगी। मुंबई लीची भेजने के लिए रेलवे 20 को पार्सल वैन उपलब्ध कराएगा। इधर दिल्ली की आजाद मंडी के लिए बुधवार को भी लीची की खेप भेजी गई। दरभंगा नई दिल्ली 12,565 बिहार संपर्क क्रांति सुपरफास्ट से लीची भेजी गई। रेलवे के लीच होल्डर अमरेश कुमार ने बताया कि बुधवार को 111 पेटी लीची भेजी गई है। दूसरी ओर शहर के गोशाला रोड में स्थित बड़ी ईदगाह बाग की लीची की तुड़ाई शुरू हो गई है। एक दर्जन से अधिक महिलाएं व पुरुष इसमें लगे हैं। 125 रुपये प्रति किलो मिल रहा दिल्ली में भाव। लीची किसान कुन्नी के बड़ा सुमेरा निवासी हो निजाम ने बताया कि दिल्ली भेजने के लिए बड़ी ईदगाह बाग की लीची खरीदा था। गुरुवार को भी लीची की खेप दिल्ली भेजी जाएगी। बताया कि दिल्ली की आजाद मंडी में अभी 125 रुपये प्रति किलो लीची का भाव मिल रहा है। इन ट्रेनों से भी भेजी जाएगी लीची। मुंबई 19038 अवध एक्सप्रेस 15267 रक्सौल LTT एक्सप्रेस 15547 रक्सौल LTT अंत्योदय एक्सप्रेस दिल्ली 12557 सप्तक्रांति सुपरफास्ट एक्सप्रेस व 12565 बिहार संपर्क क्रांति सुपरफास्ट लीच हरियाणा पंजाब 14673 शहीद एक्सप्रेस व 14649 सरयू यमुना एक्सप्रेस हावड़ा 13020 मिथिला एक्सप्रेस रांची व संबलपुर ओडिशा 15028 मौर्य एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश 11124 बरौनी ग्वालियर एक्सप्रेस व 15203 बरौनी लखनऊ एक्सप्रेस गुजरात 19484 बरौनी अहमदाबाद एक्सप्रेस व 19270 मुजफ्फरपुर पोरबंदर एक्सप्रेस की